पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बोली कि लड़कियों का बर्बाद करना पवन सिंह का पैसा है और अब मैं पवन सिंह के साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। पवन सिंह का जैसे पैसा है ये, वो आए दिन ये चीजें करते रहेंगे, आए दिन वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो मैं भी जबरदस्ती उनके साथ रहना नहीं चाहती। पवन सिंह का टीम का काला करतूत लाई सामने ज्योति सिंह। ज्योति सिंह साफ तौर पे बोले कि पवन सिंह के साथ जो रहने वाले लोग हैं वही नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर भी कभी आगे बढ़ सके। आगे पीछे के लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने फैमिली में आगे बढ़े। याद कीजिए ठीक एक महीना पहले ही भोजपुरी की कॉमेडी स्टार पीआईबी विजेंदर सिंह ने कहा था कि पवन सिंह के साथ में जो रहने वाले लोग हैं वही पवन सिंह का घर का भविष्य चौपट करके बैठे हैं। ये जोन गैंग बा पवन सिंह के नहीं चाहत कि पवन सिंह के घर बसो। इतना ही नहीं, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला इस समय बहुत ज्यादा तूल पकड़ा है। जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक हुआ है ये मामला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह की धर्मपत्नी जो ज्योति सिंह है, तलाक वाला जिससे मामला चढ़ा है, वो ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में साफ तौर पर बोली है कि लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करना पवन सिंह का पेशा हो गया है और पवन सिंह के साथ अब मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ। जब पवन सिंह नहीं चाहते हैं तो हम भी नहीं चाहते हैं और पवन सिंह का जिंदगी तो पार हो जाएगा। हीरोइन के साथ काम करते करते उनका काम वहीं से चलेगा, लेकिन हम हीरोइन नहीं हैं, हम एक सिंपल साधारण घर की लड़की हैं। हमें फैसला चाहिए और मैं हद तक छोड़ूंगी भी नहीं, मैं लड़ूंगी भी, क्योंकि पवन सिंह ने हमारा जिंदगी बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, पवन सिंह के टीम के ऊपर बहुत भारी आरोप लगाई है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह ने साफ तौर पर यह भी बोली है कि पवन सिंह के साथ जो रहने वाले लोग हैं वही कभी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर भी कभी आगे बढ़ सके। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह साफ तौर पे पवन सिंह के टीम के ऊपर आरोप लगा रही है और याद कीजिए ठीक एक महीना पहले ही भोजपुरी के कॉमेडी स्टार बीआईबी विजेंदर सिंह ने कहा था कि पवन सिंह के साथ जो रहने वाले चमचे बेलचे हैं वो भी कभी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर भी कभी आगे बढ़ सके। और इसी बात को लेकर भोजपुरी में विवाद भी हुआ था। पवन सिंह के साथ जो रहने वाले मैनेजर हैं, तरह तरह के लोग हैं, वो मतलब अपना आश्वासन दिए थे सोशल मीडिया के जरिए बीआईबी विजेंदर सिंह को और बीआईबी विजेंदर सिंह ने सत्य कहा था। ये बात आज सच देखने को मिला है। ये खुद ही पवन सिंह का जो तलाक वाला जिससे मामला चल रहा है ज्योति सिंह साफ तौर पर ये बात बोली है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचार को कमेंट में रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी को सुभाष यादव शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आप इस मामले में किस प्रकार से सोचते हैं एक बार जरूर आप सब बताइएगा कि पवन सिंह लगातार तलाक पर तलाक दे रहे हैं, आखिर क्या कारण? पवन सिंह की पत्नी गलत है कि पवन सिंह गलत है? ऐसे तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने भी कहा था कि चार चार औरतें कभी गलत नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि एक औरत गलती हो सकती है, लेकिन चार चार औरतें कभी गलती नहीं हो सकती है। और यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने भी गलती ठहराया था पवन सिंह को ही। बाकी आप सब बताइएगा आप सब अब इस चीज़ को किस नज़रिया से देखते हैं। बाकी जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।